फिलहाल हम सब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? महल। कौन से महल? राजमहल। तो हम लोग जा रहे हैं राजमहल। हर्षित का राजमहल। मैं, निहारिका और नीतू। और जिसने कैमरा होल्ड किया वो कौन है? प्राची। तो ये है प्राची। हाय। इसकी एक अलग कहानी है, इसकी अलग एक दुनिया है। तो उस दुनिया से भी आपको मिलाऊंगा। वीडियो मैंने बनाया है इसका और इसका खरगोश का। एला का खरगोश का नहीं, एला, एला का खरगोश करके सब बड़ा लगाता है क्योंकि उसका नाम एला है। तो सामने शायद सामने है मंदिर, ये मंदिर है काली मंदिर, ये काली मंदिर। और महल, महल इसके आगे, महल इसके आगे। और आगे पैदल कितना चलना है? बस थोड़ी दूर। और गर्मी है प्रचंड, बिल्कुल देखो बारिश भी हो रही है और धूप भी है। ये तो सुबह से हो रहा है। क्या हो गया, ब्याह हो रहा है क्या? कुत्ते और रिश्तेदारों का घर था। अच्छा। और यहाँ पे ये मंदिर है, वो है राजमहल। और ये है राजमहल। अच्छा बना है। वो सामने राजमहल है। तो आप देखिए, ठीक सामने हमारे है राजमहल। ये इसका गेट बिल्कुल एकदम आगे से। तो यह है राजमहल का गेट। भारतीय संस्कृति कार्यालय जिला खीरी। तो यहाँ पर गेट है और गेट में है 10 रुपये टिकट पर पर्सन। तो ये है सामने कुछ राजमहल, ऐसा आप देख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा क्लोज देके आए तो ये ऐसा रहेगा और क्लोज देके आए तो ऐसा रहेगा। तो इसके थोड़ा अंदर के नज़ारे देख के आते हैं। बाहर का गार्डन आप देखो। और बताते हैं कि जो इस राजा की रानी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। क्या नाम था रानी का? नाम क्या था? सूरज कुमारी। सूरज कुमारी रानी का नाम था, सूरज कुमारी। तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आप ये देखो कि ये महल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सूरज कुमारी भी खूबसूरत। ये भी एक राजकुमारी की तरह है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इधर देखो, ये हो ना। थैंक यू। तो आप सामने देखो, ये है सुरंग जो करीब 5 किलोमीटर दूर बाद निकलती है। अभी ये फिलहाल बंद कर दी गई है। और जो बिल्डिंग का जो पिछला हिस्सा है वो तो काफ़ी जर्जर है, लेकिन जो आगे वाला हिस्सा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खाने आते थे रानी। तब रानी वाकई रहती थी इसमें? हाँ, हम लोगों ने देखा है रानी को। मतलब ये जो रानी थी ना, ये बहुत पुरानी रानी है। मतलब पहली रानी ये है जो इनकी बहू थी। कौन सी रानी है? जो ये सूरज कुमारी रानी है। अच्छा, वो सामने लगा हुआ है। ये सूरज कुमारी और इनकी बहू मीनाक्षी थी ना, मीनाक्षी जो रानी थी। हाँ, वो नवरात्रि की पूजा करती थी और तुमको कन्याकुमारी खिलाती थी उस टाइम पे। अरे वाह, लाती थी कई लोगों को। अच्छा। 11 लोगों को बुलाती थी। अरे वाह यार, देखो इस महल में कन्याकुमारी खाने आते थे। अभी इतने बड़ा हो गया। पूरा श्रृंगार का सामान देती थी। तो सामने इस महल में घूमने के बाद, वैसे उसके अंदर सिर्फ बाहर से देखने के लिए काफी अच्छा है, फोटो वोटो खिंचा के आप आ जाओ। ये सिर्फ इतना ही है, अंदर कुछ खुला नहीं है। बस ऐसा कुछ है इसका स्ट्रक्चर, वो काफी अच्छा लग रहा है बाहर से। तो अब हम लोग जा रहे हैं वो सामने वाले माता जी के मंदिर में, काली मंदिर के मंदिर में। ये बता रही थी कि वो उसका मुंह दक्षिण की ओर है। ऐसे सारी माताओं का मंदिर दक्षिण की ओर नहीं होता है। बहुत कम देवी का है। वो जो क्रोध वाली होती है ना काली देवी। हाँ। रुद्र रूप जो होती है उनका ज्यादातर वो दक्षिण मुख की होती है देवी। अब दिखाइए उनको। अब ये जो रानी है, ये सूरज कुमारी, ये काफी खूबसूरत थी ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन मूर्ति देख के लग नहीं रहा। वैसे होंगी मतलब काफी खूबसूरत हो।
तो ये है सामने माँ काली का मंदिर, आप देखो ऐसा कुछ। ये तो ये माँ काली का मंदिर है जो राजा जी ने बनाया था यहाँ पे। तो आज टॉप पे देख रहे हो ना, ये इस पर पूरे में सोना लगा था। और ये बता रहे हैं कि ये जितने भी मतलब ऐसे किनारे किनारे पे कोन टाइप के रखे हुए ना मंदिर के जो होते हैं चारों ओर, जो उधर है वो लगा था। हाँ तो सब सोने का सब चोरी हो चुका है इस मंदिर से, दरवाजा चांदी का इसलिए अभी भी है, चांदी की फोटो, चांदी के दरवाजे और मंदिर का घंटा देखो बहुत बड़ा है। इसको बजा के देखते हैं कितनी तेज आवाज आएगी। ये तो टूटा हुआ है देखो, बहुत तेज आवाज आ रही है। शेर कौन है? शेर कौन है? हमारा दोस्त कौन है? हमारा दोस्त शेर। हाँ देखो इसका एक कान नहीं है, ढूंढो कान कहाँ पे है इसका। एक तुम्हारे दोनों है लगा के कहाँ पे है? वेयर इज यूर ईयर? यस एंड सेकेंड वन, ये तो एक दिखाया ना तुमने, दूसरा दिखाओ कहाँ पे है। हाँ तो शेर का एक नहीं है देखो। तो ये सामने है राजा और उसका वैसे मेन गेट उधर पे है, हम लोग वहाँ से गए थे तो एक गेट इधर से है। तो जो मैं जब आ रहा था इधर को गांव की ओर को, तो मैं आपको दिखा रहा था वो वाला स्कूल जो सामने है, ये बन रहा था यहाँ पे। जब मैं आ रहा था मैं आपको ये वाला स्कूल दिखा रहा था सामने वाला, ये देखिए क्वींस मैरी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, अभी गवर्नमेंट हो गया। तो ये इन्हीं राजा लोग का बनाया हुआ मंदिर था। और उसी के ठीक सामने यहाँ पर एक पार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं क्रिकेट और यहाँ पे होता है मेला। तो हम लोग सब लोग आगे घूम के घुमाया हमको प्राची ने पूरा किला। किला है, महल है, महल। हाँ महल, राजमहल और मंदिर भी, और मंदिर भी साथ साथ। तो ये लोग तो प्रसाद खाने में हैं व्यस्त पीछे। हर्षित को दे दिया प्रसाद? हर्षित का मुंह नहीं जल रहा है ना, उसको दो प्रसाद और सबसे दे दिया मैंने। हाँ। मंदिर में दे दिया था, हम भूल गए थे तब हमने खाया भी। इनके गांव में था ये सब कुछ घूमने के लिए। कल सुबह फिरते कहीं आसपास जाके देखेंगे कहीं कहाँ घूमने को कुछ मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, आदि ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मैं उत्तर प्रदेश का दिखा रहा हूँ लेकिन बोलूँगा उत्तराखंड के बारे में ही लास्ट में, क्योंकि वो मेरा पेट डायलॉग है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।